द्विवेदी ने नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया है। जनरल द्विवेदी तीसरे सेना प्रमुख हैं। वे इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुए हैं। इससे पहले वे सेना के वाइस चीफ, नदर्न आर्मी कमांडर, डीजे इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। जनरल द्विवेदी ने आर्मी चीफ के तौर पर जनरल मनोज पांडे की जगह ली है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने अपने भाई और परिवार के बड़े सदस्यों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्रहितों को सुरक्षित किया जा सकेगा और हम विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।